हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी सेकंड जो कि मैं आधा आपको करीब पढ़ा चुकी हूँ उसका पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। मैंने आपको भाषा के बारे में पढ़ा दिया है, अब आपको व्याकरण के बारे में पढ़ाना है। आपका लेसन का नाम है भाषा और व्याकरण, तो आपको व्याकरण के बारे में बताना है। और मैं बता दूँ कि ये वीडियो 7th और 8th दोनों क्लासेस के लिए हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें लगभग वही हैं, तो आप दोनों लोग के लिए ये एक ही वीडियो है। तो भाषा मैंने आपको बताया था, भाषा क्या है। भाषा हम अपने भावों का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं मुख्य रूप से वही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। जो हम लिख कर या पढ़ कर देखते हैं, जानते हैं अपने भाव विचारों को, वो लिखित भाषा होती है। जो बोल कर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो मौखिक भाषा होती है। इसके बाद लिपि क्या होती है, हम भाषा को अंकित करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं वास्तव में वही लिपि होती है। अर्थात हम वर्णों को जब अंकित करते हैं कोई भी शब्द वाक्य या कहानी लेख, बड़े से बड़ा लेख लिखने के लिए जब किसी ध्वनि चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही उस भाषा की लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, मैंने आपको बता दिया था, हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है। इसी तरह से बहुत सी भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। अब आइए व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण क्या है, भाषा का प्रयोग करते समय हम उसके शुद्ध स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। भाषा के शुद्ध रूप से ही सरलता पूर्वक विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा को के अशुद्ध प्रयोग से अर्थ के समझने में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा क्या उत्पन्न होती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थात आप समझ गए व्याकरण क्या है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से समझने के लिए, किसी भी भाषा का ज्ञान शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए हमें जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है वही व्याकरण होता है। अब आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। सेवक ने तोते को काट कर अमरूद खिलाया, ये एक वाक्य है लेकिन यह कहीं से भी सही नहीं लग रहा सेंटेंस। सेवक ने तोते को काट कर अमरूद खिलाया। अब आप सोचेंगे तोते को काट दिया तो अमरूद किसको खिलाया, जबकि यहाँ होना चाहिए सेवक ने अमरूद काट कर तोते को खिलाया। तो यहाँ क्या है, यहाँ व्याकरण का प्रयोग हुआ है, व्याकरण के अनुसार शब्दों को रखा गया है। तो यही हमारे कहने का तात्पर्य है कि यही व्याकरण है। जब हम भाषा का शुद्ध प्रयोग जान जाते हैं, किस तरह से हमें कौन सा शब्द कहाँ रखना है, कौन सा सेंटेंस कब बोलना है, वही व्याकरण होता है। अर्थात किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान को ही व्याकरण कहते हैं। अब यहाँ क्या था, सेवक ने तोते को काट कर अमरूद खिलाया, बस सब शब्द वही थे लेकिन क्रम बदल गया था, क्रम इधर उधर अव्यवस्थित हो गए थे। अर्थात व्याकरण का प्रयोग नहीं हुआ था, व्याकरण के अनुसार क्रमानुसार शब्द नहीं थे, शब्द के पद इधर उधर थे वाक्य के, इसीलिए ये गलत था। अब क्रम बदल जाने से सोचिए कितना अर्थ का अनर्थ हुआ। तोते को काट कर, जहाँ से अमरूद काटना है वहाँ तोता ही कट जा रहा है। तो यही भाषा की अशुद्धि होती है, यही व्याकरण की अशुद्धि मानी जाती है। अब हम इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण करने, शुद्ध रूप से लिखने तथा उसे ठीक प्रकार से पढ़ने व समझने के योग्य बनाता है। व्याकरण की परिभाषा आपको समझ में आ गई। आप अपने नोटबुक में भी इस तरह की जो डिफिनेशन मैं बोलती हूँ उसको नोट करते जाइएगा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण करने, शुद्ध रूप से लिखने तथा उसे ठीक प्रकार से पढ़ने समझने योग्य बनाता है। अर्थात भाषा का शुद्ध ज्ञान जिस शास्त्र प्राप्त होता है वही व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं। कौन कौन से तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है, इसमें वर्णों के विषय में विचार किया जाता है। अभी आप अगला लेसन पढ़ेंगे, अभी इसमें किसी भी लेसन में होगा उसमें वर्ण विचार आपको पढ़ाया जाएगा कि कहाँ से ध्वनि की उत्पत्ति हुई, वर्ण कौन से कैसे व्यवस्थित किए जाते हैं, वर्णमाला क्या चीज़ है। तो व्याकरण का ये पहला स्टेप होता है वर्ण विचार। दूसरा स्टेप क्या होता है, वर्ण के बाद क्या आते हैं, जब हम कई वर्णों को एकत्रित करते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। तो दूसरा स्टेप आपका क्या हो जाता है, शब्द विचार। व्याकरण का ये दूसरा अंग है।
कि शब्दों को कैसे लिखना है, कहाँ किस क्रम में रखना है, किस शब्द को कहाँ लिखना है, तो कौन से शब्द कैसे होते हैं, शब्द विचार में आपके पर्यायवाची विलोम कई प्रकार के शब्द आते हैं, आगे जब लेसन पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, तो वो शब्द विचार आ गए हो गया। अब आपका तीसरा भाग क्या है व्याकरण का, तीसरा अंग वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है कि वाक्य को कब कहाँ कैसे रखना है। वर्ण शब्द और वाक्य, ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए, वर्ण शब्द वाक्य यही भाषा के तीन मुख्य अंग है। आपसे कहीं भी पूछा जाता है कि व्याकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो आप बताएंगे तीन अंग है, कौन कौन से, वर्ण शब्द वाक्य। आप क्रमानुसार बताएंगे, पहला जो है अंग उसका क्या है, वर्ण है, दूसरा शब्द है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, तो वर्ण शब्द वाक्य यही व्याकरण के तीन अंग हैं। तो ये तो हो गया आपका व्याकरण के बारे में। और आपको कुछ जरूरी बातें बता दें, जैसे देवनागरी लिपि जो है विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। दूसरी याद रखने वाली बात है, देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि आपने देखा होगा फारसी या उर्दू लिखते समय दाएं से बाएं ओर लिखते हैं बच्चे। आपको ये बता ही दिए थे कि हम भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था, बोली क्या होती है ये भी आपको बता दिया था। भाषा का बहुत ही सीमित क्षेत्र जो होता है, जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वह बोली कहलाती है, और जिसका क्षेत्र विस्तृत होता है वह भाषा कही जाती है। और आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या था उसको मैं कुछ लाइन में बताती हूँ। जैसे भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन ही भाषा है। दूसरी लाइन आपकी है कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, क्वेश्चन आपका ये उभर कर सामने आता है, तो भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, मुख्य रूप दो हैं, भाषा का लिखित रूप और मौखिक रूप। सांकेतिक रूप भी एक माना जाता है लेकिन उसका कोई मुख्य आधार नहीं होता है। तीसरा क्या है आपका पॉइंट, सामने उपस्थित व्यक्तियों के साथ मुँह से बोलकर अर्थात मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये आपका मौखिक भाषा की परिभाषा हो गई एक तरह से। अब लिखित भाषा क्या है, दूर स्थित व्यक्तियों तक अपने विचार लिखित भाषा के रूप में पहुंचाए जाते हैं, या भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए अपने विचारों को लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला पॉइंट है, भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी आपको बता ही दी गई है, जो आपके लिए मुख्य रूप से जानने योग्य बात है, और आपको ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि हमारी जो मेन भाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा सब कुछ क्या है, हिंदी है। तो इसकी लिपि क्या है, इसकी लिपि आपको मैंने बार बार बताया देवनागरी लिपि है। मैंने आपको ये भी बता दिया देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। भाषा की शुद्ध प्रयोग अभिष्ट है, इसके लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। भाषा का शुद्ध प्रयोग अभिष्ट, अभिष्ट मतलब आवश्यक है। अगर हम भाषा का शुद्ध प्रयोग, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर शुद्ध प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अतः भाषा का व्याकरण के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्याकरण का भाषा से क्या संबंध है, तो आप तुरंत कहेंगे व्याकरण से भाषा का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि व्याकरण के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं, उसका क्या अर्थ निकलता है, ये अगले के समझ में नहीं आएगा अगर हम व्याकरण के अनुसार भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज करवा देंगे। ओके, थैंक यू।